CBS. Today we take lecture class 9, topic electronic configuration of exception elements. I am exception elements ke electronic configuration banayenge iske liye pehle humne aap logon ne bata diya tha 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p VP, 4P, 5P, plus 6P, 3D, 4D, 5D, 4F, 5F. डी सब सेल्स क्या होता है? डी सब सेल या तो डी फाइव स्टेबल होता है या फिर डी टेन. डी फोर है तो ऐसा इलेक्ट्रॉन नियम ट्रांसफर होगा. डी नाइन है तब ये ऐसा इलेक्ट्रॉन नियम ट्रांसफर होगा. सेक्शन है 24. फोर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d में 4. ये हो गया 24. ये एक्सेप्शन है डी फोर है, ये स्टेबल होने के लिए डी फाइव होगा तो एस का इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. तो निकल के हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5. जब हम इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. 1 सेल से 2, सेकंड में 8, थर्ड सेल से 13 हो गए. इसके हो गए 2, 8, 13. तो फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड एक और एक्सेप्शन है. CU29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. ये हो गया 29. तो ये तो d9 है, ये भी d10 है, स्टेबल होगा. d4, d9 है, तो स्टेबल होगा. तो s का 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा d. तो ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. इसको सेल्स ऑर्डर लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. 2, 8, 18, 1. 2, 8, 18, 1. और कंपाउंड्स है Ag47. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9. Zn piece AuC9